बहादुरगढ़ में बीते 27 नवंबर को बीजेपी पार्षद की नगर पालिका के कर्मचारी के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी बीजेपी पार्षद की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कर्मचारी संघ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में कर्मचारी प्रदेश के 22 जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिला उपायुक्तों को ज्ञापन भी सौंपेंगे और आरोपी पालेराम की 7 दिनों के अंदर गिरफ्तारी न होने पर पूरे प्रदेश में फिर से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। आज मीडिया से रूबरू होने का हमारा मकसद है कि नगर पालिका बहादुरगढ़ के कर्मचारी गत 27 नवंबर को बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, तो उस वक्त एक भाजपा द्वारा नॉमिनेटेड पार्षद जिसका नाम पालेराम है, उसने हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कर्मचारियों ने उसकी शिकायत थाने में की और 27 नवंबर को ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है और उल्टा कर्मचारियों पर फैसले के लिए दबाव दे रहे हैं। तो इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और वो हड़ताल पर बैठे हैं जी। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कल प्रदेश के सभी 22 जिलों में उनके समर्थन में जिला उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा। अगर 7 दिन के अंदर दोषी पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर दोबारा से हड़ताल हो सकती है। दूसरा, दिल्ली प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों की लगातार 27 दिन से हड़ताल चल रही है, तो प्रदेश का सफाई कर्मचारी दिल्ली प्रदेश के कर्मचारियों का समर्थन करता है और उनके समर्थन में भी कल हम प्रदर्शन करेंगे। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।